कि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे, और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था। दूसरे निष्पोनेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फिर से बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरते, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बिहार में शराबबंदी है वो सिर्फ एक छलावा है और दलितों को सिर्फ इसमें फंसाया जा रहा है, और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम बिहार में शराब जो है जो चालू कर देंगे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले सुनो उनकी बातों को। मद्य निषेध इनका एक बहुत बड़ा यह है, उसमें बड़ा ही कर रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था, सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं, सब लोग कहा कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने की जो प्रक्रिया है, आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज जेल के सलाखा में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है, इसलिए कि वो पावर दारू पी करके काम करने के स्थान से घर जाता रहा है। पुलिस लोग डाटा या आंकड़ा जुटाने के नाम पर उनको मुंह में ब्रेथ सैनिटाइजर लगाते हैं और लगा करके उनको जेल भेज देते हैं, क्योंकि पिए हुए तो रहता ही है। बहुत कहने पर एक समीक्षा किए हैं, समीक्षा तीसरा समीक्षा किए हैं, जिसमें यह है कि जेल नहीं जाएगा, जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कैसे, न उमन हुई है न राधा नाची हैं, कहानी कही जाती है। आप कहते हैं कि साहब उसे 3,000 या 4,000 जुर्माना लेकर के आप छोड़ दीजिए, लोग लेता है 5,000 और 7,000 चार्ज करता है, और रसीद भले दे 2,000-3,000 का, लेकिन जो मजदूर 500 रुपया कमा करके जा रहा है और पकड़ा गया, वो 2,000 और 3,000 जुर्माना कहाँ से देगा, नेचुरली वो जेल में चल जाता है। तो कहने का मतलब कि शेड्यूल कास्ट के अधिकांश और दलित गरीब सबके के अधिकांश लोग आज जेल के शिकंजे में हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है, दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे, और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है, अपने आप समझदार होने पर उसके जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, अवेयरनेस कराएंगे कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिससे हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं है। तो ये सब 5-6 पॉइंट है जिसके आधार पर हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के कभी ही हितैषी नहीं रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के हितैषी रहते तो जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, 9 महीना काम किया, 2-3 महीना इनके कहने पर काम किया था, तो बड़ी अच्छा है। आप लोग कह रहे थे कि रबर स्टैंप है, आप लोग कह रहे थे कि रिमोट से चलता है, जब हम अपना काम करने लगे तो इनको बड़ा बुरा लगा और हमको ज़बरदस्ती हटाए। हम कहते हैं, पूछना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे, समय लगेगा, कि जीतन मांझी उसमें निर्णय लिया, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास तक किसी जात की लड़की हो, किसी समुदाय की लड़की हो, उसको हम एजुकेशन फ्री कर दिया था, क्या गलत हमने किया था, हटाने का तो कोई कारण होना चाहिए। हम अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं बेचारे नक्सलाइट होते जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, हमने ठीका में आरक्षण किया था कि 75 लाख ठीका में उनको आरक्षण देंगे, क्या गलत किया। मांझी किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के नाम पर जो दलित और जो निचले जात हैं उनको पकड़ते हैं, और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग शराब चालू करेंगे और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएंगे कि आप लोग शराब नहीं पीजिए। साफ तौर पर जीतन राम मांझी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आती हो तो क्या करेंगे शराबबंदी को लेकर। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पोर्टल के साथ नमस्कार।